करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर फार्माकोग्नोसी के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये डिस्कस करते हैं फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन पेपर को, जो कि जुलाई 2022 में आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट है फर्स्ट वीक में। देखो सारा कुछ सेम ही है, 80 नंबर के आपके पेपर होंगे, 3 घंटे के होंगे, सब्जेक्ट का नाम फार्माकोग्नोसी, फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहेंगे 7, उसमें से आपको 6 करना रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री बतानी है आपको और क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, वो ड्रग की क्लासिफिकेशन बतानी है जो नेचुरल ओरिजिन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ फेनल एंड क्लोव, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ सेना एंड एरगट, कि कैसे कलेक्ट किया जाता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है सेना और एरगट को, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोर्सेज प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिल्क एंड रीजनरेटेड फाइबर, सोर्सेज आपको बताना है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको बताना है, आइडेंटिफिकेशन बताना है सिल्क का और रीजनरेटेड फाइबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 3 दिए गए हैं, इनमें से 2 के आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बताना है। पहला है टेनिंस, दूसरा है रेजिंस और तीसरा है टर्पेनॉइड्स, मतलब तीसरा है टर्पेनॉइड्स। तो इन 3 में से किसी 2 के बताने हैं, आप तीनों पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक ज़रूर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पार्ट बी में, पार्ट बी में आपको 60 टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, 10 क्वेश्चन करने होंगे, 11 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ एनी 4, ठीक है। 5 दिए हैं, इनमें से किन्हीं 4 के बायोलॉजिकल सोर्स बताने हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताने हैं और फार्मास्यूटिकल यूज़ बताने हैं। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, कैसे क्या है या कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें। केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब उसमें के अंदर कौन सा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और फार्मास्यूटिकल यूज क्या है, मेडिसिनल पर्पज़ पे कैसे यूज करते हैं, जैसे परगेटिव लैक्सेटिव के रूप में एलोए को यूज करते हैं। एलोए पहला है, दूसरा है कैस्टर ऑयल और तीसरा है अर्जुना। अर्जुना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एलोए, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही है, आप इसको स्पेशली पढ़ के जाइएगा। तो अर्जुना और एलोए, लास्ट में है डिजिटलिस परप्यूरा और कैनाविस। तो इन 5 को आप पढ़ लीजिएगा, 5 में से 4 इस क्वेश्चन में दिया गया है, करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शॉर्ट नोट लिखना है कि नहीं 4 पे। पहला है कोलिन के बारे में पेपरमिंट ऑयल, दूसरा है, तीसरा है वी वैक्स और चौथा है शंख पुष्पी, पाँचवा है अश्वगंधा। तो इन 5 में से किसी 4 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सोर यूजेज ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग, 3 दिए गए हैं, इन तीनों के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में आपको बताना है। पहला है सिन्ना, दूसरा है एरगट, तीसरा है जिंजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द टर्म क्यू ड्रग एंड राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्यू ड्रग्स विद द एग्जांपल। आप जब फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। पार्ट सी में आ जाते हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के या फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड में आंसर करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट यूज ऑफ एरगट,
मतलब कह रहा है कि एरगट का यूज इनमें से चार ऑप्शन में से किसके लिए नहीं किया जाता है, तो भैया लैक्सेटिव के लिए नहीं किया जाता है और सबके लिए एरगट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल सोर्स ऑफ अर्जुना, अर्जुना का बॉटनिकल सोर्स आपको बताना है, तो आपका सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन सही है, टर्मिनिला अर्जुना, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड बीकर स्किन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो ये टेनिंस के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनकोना, कह रहा है कि बायोलॉजिकल सोर्स इनमें से कौन सा है सिनकोना का, तो इसमें मोस्टली जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे हैं केवल ऑप्शन नंबर वन को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कोकीन इज यूज एज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, कोकीन किसके लिए यूज होता है, तो कोकीन जो है लोकल एनेस्थेटिक्स इन द ऑफिशियल मेडिसिन है, तो यहाँ पे आप लोकल एनेस्थेटिक भर लीजिएगा, ठीक है, एल रहेगा सॉरी लोकल एनेस्थेटिक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव में फिल इन द ब्लैंक्स में लोकल एनेस्थेटिक आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में डिजिटलिस लीव शुड बी ड्राइड एट अ टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे डिजिटलिस लीव को ड्राइड किया जाता है, तो 60 डिग्री टेम्परेचर पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको देखना है कि मॉर्फिन कंटेन मेन न्यूक्लियस, तो पेंथ्रीन यूज करते हैं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ मेडिसिन बताना है, हिपोक्रेट्स को बोलते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर लीजिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ स्यूडो अल्कलॉइड्स, तो स्यूडो अल्कलॉइड्स का एग्जांपल कैफीन है, आप यहां पे फिल कर सकते हैं, कैफीन जो है स्यूडो अल्कलॉइड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अल्कलॉइड्स आर, तो ये अल्कलॉइड्स जो होते हैं बेसिक नाइट्रोजनस होते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, मतलब बेसिक नाइट्रोजनस टाइप के सब्सटेंस होते हैं अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डेडली नाइट सेड इज सिनानिम ऑफ द ड्रग, डेडली नाइट सेड सिनानिम किसका है इसके बारे में आपको बताना है, तो बेलेडोना अगर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा तो बेलेडोना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आयल इज शोइंग लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज, कह रहा है इनमें से कौन सा आयल जो है लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो कैस्टर आयल शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फ्लावर बर्ड्स ऑफ द ड्रग शोइंग द मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, तो इसमें क्लोव आपको फिल करना है, सी एल ओ वी ई, क्लोव मतलब लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ फार्माकोन, फार्माकोन की मीनिंग बतानी है, तो फार्माकोन मतलब होता है ड्रग्स, ठीक है, फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग, ड्रग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, एनिमल किंगडम वॉज फर्स्ट रिटन, तो अरिस्टोटल साहब ने इसको किया था, हिंदी में कुछ लोग अरस्तु बोलते हैं, अरिस्टोटल आप लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, एलोए बिलोंग द फैमिली, ठीक है, एलोए किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी आपका ऑप्शन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, आप इसको लिलिएसी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ रूबार्ब इज यूज, रूबार्ब का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो रूबार्ब का जो है हम मोस्टली राइजोम यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, राइजोम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिन्ना कंटेन, सिन्ना क्या कंटेन करता है, तो सिन्ना जो है इसमें जितनी सारे ऑप्शन दिए हैं एक ऑप्शन यहाँ पे ये बनाना चाहिए था ऑल ऑफ एबव, क्योंकि इसमें सब कुछ कंटेन करता है, तो आप इन सब आंसर को देख लीजिएगा, ये सारे आंसर सही हैं, लास्ट में आप एक
इसको समराइज करके एक ऑल ऑफ अबव कर लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज़ यूज एज कार्डियोटोनिक्स, कह रहा है इनमें से कौन सा कार्डियोटोनिक के रूप में यूज किया जाता है। तो देखो अर्जुना जो है वो कार्डियोटोनिक के रूप में यूज किया जाता है, अर्जुना राइट आंसर है आपका। फिर कार्डामोम बिलोंग टू द फैमिली, ठीक है, कार्डामोम किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो जिंजीवेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है, आप लिख लीजिएगा जिंजीवेरेसी, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ के जाइएगा, एक बार अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आप सभी लोग पास होइए, आप लोगों का सेंटर चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा, आप सभी लोग पास होइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।